तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी संगीत प्रेमियों का पीआरके म्यूजिक क्लासेज में। तो दोस्तों, गुनगुनाने से गाने तक का जो हम सफ़र तय कर रहे हैं और इसमें जो हमारी सीरीज चल रही है सरगम प्लस देसी तरीके से हारमोनियम सीखने की, उसका ये लेसन नंबर 3 आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्वरों के बारे में। तो जो स्वर हम प्रयोग में लेने जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से है, सा, शुद्ध रे, शुद्ध गा, शुद्ध मा, पा, शुद्ध धा, कोमल नी और तार सप्तक का सा। तो दोस्तों, इसमें हम कोमल नी का प्रयोग कर रहे हैं और भारतीय संगीत पद्धति के अनुसार ये 8 खमाज के स्वर है। अब हमें इन स्वरों पर जय हनुमान का उच्चारण करना है। सबसे पहले मैं सरगम के साथ रियाज बताऊंगा आपको और उसके बाद उसी सरगम पर हम जय हनुमान का उच्चारण करेंगे। तो कैसे होगा ये, तो जो हमारी सबसे पहली सरगम है, सारे सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। तो इस तरह दोस्तों आपको सारे गा मा पा धा नी सा हारमोनियम पर प्ले करना है। उसके बाद में इन स्वरों पर हमें आकार में रियाज करना है। आकार में कैसे होगा, पहले स्वर को दबाएं, उसको अच्छी तरह से सुने और इसमें आवाज मिलाकर आकार में रियाज करना है। और उसके बाद में हमें हारमोनियम पर सारे गामा पा धा नी सा यही प्ले करना है और हमें जय हनुमान का उच्चारण करना है। तो कैसे होगा, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय जो पहला सरगम है इसके साथ में हमें इस तरह से प्रैक्टिस करना है। अब जो हमारा दूसरा सरगम है, सबसे पहले हम सरगम गुनगुनाते हैं, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। इस तरह से सरगम गाना है। उसके बाद आकार में आप रियाज कर सकते हैं, लाकार में आप रियाज कर सकते हैं और उसके बाद में इन स्वरों पर हमें जय हनुमान का उच्चारण करना है। तो कैसे होगा, जय हनुमान सा सा, इस पर जय हनुमान, 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 जय हनुमान। इस तरह से इसका आरोह कंप्लीट होगा और अवरोह में भी सेम टू सेम करना है, जय हनुमान, 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 जय हनुमान। तो इस
तरह से आपको जो हमारा दूसरा सरगम है इसमें रियाज करना है। दोस्तों मैं आपको एक से दो बार ही आपको बता रहा हूँ, आपको कम से कम 10 से 20 बार ये प्रैक्टिस करना है ताकि आपको जल्दी स्वर ज्ञान हो और स्वर ज्ञान के माध्यम से आप कोई भी गाना हो या भजन हो वो भी आप आसानी से बजा सको। अब जो हमारा तीसरा सरगम है तो तीसरा सरगम कुछ इस प्रकार से है, सारे गा रे गा मा गा मा पा धा पा धा नी सा नी धा नी धा पा मा पा मा गा रे गारे सा। ये सरगम गुनगुनाने के बाद में आप इसी सरगम का आकार में रियाज करें और उसके बाद में जय हनुमान, तो कैसे होगा? जय हनुमान जय हनुमान। आपको इन तीन स्वरों पर जय हनुमान कंप्लीट करना है। आप कैसे भी कर सकते हैं, जय हनुमान ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जय हनुमान और जय हनुमान। कैसे भी करके आपको इन तीन स्वरों पर जय हनुमान कंप्लीट करना है। तो पूरा एक साथ में देख लेते हैं कैसे रियाज करना है। जय हनुमान 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 जय हनुमान। तो इस तरह से तीसरे सरगम के साथ में आपको जय हनुमान गुनगुनाना है। तो कैसे भी आपको ये रियाज करना है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि हमें इन तीन स्वरों पर जय हनुमान का उच्चारण करना है। अब जो हमारा चौथा सरगम है तो जो हमारा चौथा सरगम है वो कुछ इस प्रकार से है, सा रे गा मा रे गा मा पा गा मा पा धा मा पा धा नी पा धा नी सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे सा। तो पहले सरगम में रियाज करना है, उसके बाद में आकार में रियाज करना है और उसके बाद में हमें जय हनुमान का उच्चारण करना है। पहले हमने तीन स्वरों को लिया था, अभी हमने इस सरगम में चार स्वरों को लिया है। तो आपको चार स्वरों पर जय हनुमान का उच्चारण करना है। तो कैसे होगा? जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, जय हनुमान 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 जय हनुमान। तो दोस्तों आपको कैसे भी करना है लेकिन इन चार स्वरों पर हमें जय श्री राम का उच्चारण करना है। तो इस तरह से अपना ये चौथा सरगम कंप्लीट होता है। अभी हमारा जो पांचवा और अंतिम सरगम है तो सबसे पहले हम सरगम में रियाज करते हैं,
सारे गा म पा रे गा म प ध गा म प ध नि म प ध नि सा सा नि ध प म नि ध प म ग ध प म ग रे प म ग रे सा। तो इस तरह सरगम में रियाज करना है, उसके बाद में आकार में रियाज करना है, और उसके बाद में इन पांच स्वरों पर हमें जय श्री राम का गुणगान करना है। तो कैसे होगा? सा रे गा मा पा, इस पर कैसे होगा? जय हनुमान, फिर आगे से जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। तो दोस्तों ये रियाज शायद आपको थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन आप पहले सरगम के माध्यम से करें, सरगम आप बजाएं, उसको अच्छी तरह से सुने, उसके साथ में गुनगुनाएं, इस सरगम को अच्छे से याद करें, और उसके बाद में इसके साथ में जय हनुमान का उच्चारण करें। तो एक दूसरा तरीका मैं आपको और बता देता हूँ, इसमें आपको क्या करना है, सा रे गा मा पा इतना ही गाना है, और उसके बाद में जय हनुमान रे गा मा पा धा जय हनुमान गा मा पा धा नि जय हनुमान मा पा धा नि सा जय हनुमान सा नि धा पा मा जय हनुमान नि धा पा मा गा जय हनुमान धा पा मा गा रे जय हनुमान पा मा गा रे सा जय हनुमान। तो दोस्तों इस तरीके से आपको रियाज करना है, पांच स्वरों की ये सरगम है, और आपको जय हनुमान का उच्चारण करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों रियाज ही राजा होता है। जितना आप रियाज करेंगे उतना ही जल्दी आप हारमोनियम सीख पाएंगे, क्योंकि हारमोनियम सीखने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। जितना शॉर्टकट तरीका हो सकता था वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और सरगम प्लस देसी तरीके से जो मैंने ये सीरीज बनाई है वो आपको मैं दे रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।